उपस्थित सभी नेतागण, भाइयों बहनों, उपवासी साथियों और युवा साथी, समय नजदीक आ गया है। मैं चंद बात आपसे करना चाहता हूं। कल नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया और ये भाषण मैंने चैनल में जब मैं डिबेट में गया उसी समय में सुन रहा था। यहां से उन्होंने कहा कि मित्रों, मैं घर से निकला था तो कोई राज सिंहासन के लिए नहीं निकला था, देश की सेवा के लिए निकला। मैं तो फकीर हूं और फकीर रह के सेवा करता हूं। बहुत ही अच्छा डायलॉग था, शायद अमिताभ बच्चन भी नहीं बोल पाए, लेकिन उनके पीछे सच्चाई क्या है ये थोड़ी सी मोदी ने समझा होता तो ये भाषा, ये डायलॉग नहीं बोल। उन्होंने कहा कि मैं राज सिंहासन के लिए नहीं निकला था, लेकिन राज सिंहासन के लिए आपने क्या क्या किया। हिंदुस्तान के कोई मुख्यमंत्री ने जितने पाप नहीं किए हैं, इतने पाप सिर्फ आपने ये राज सिंहासन के लिए किया है और अभी तक करते रहे। उन्होंने 2001 में आए, लगा कि चुनाव नहीं जीत पाएंगे, 59 राम सेवकों को जलाया और बाद में पूरा गुजरात जला दिया। आपने मियां मुशर्रफ की बात की कि उनका एक कारस्तान है, लेकिन अभी तो जो बाहर आ रहा है वो है कि ये सभी आपका कारस्तान है। मैं नहीं कह रहा हूं, जो आपके अफसर ने बाहर निकाली है इंफॉर्मेशन वो आपका कारस्तान है। उनके आगे जाकर आपको पॉपुलर हीरो बनना था टेररिज्म के सामने लड़ने का, तो टेररिस्ट तो गुजरात में वैसे पहले आते नहीं, एक दो दफा आए भी, हर रोज त्रासवादी यहां कहां से आए, लेकिन उनको ऐसा लगा कि हर महीने टेररिस्ट आना चाहिए, वो मोदी के लिए, मोदी को मारने के लिए आना चाहिए और उसको गोली मारनी चाहिए। पुलिस को नहीं मिला असली टेररिस्ट, किसी उधर उधर से ले आए, 22 लोगों को मार दिया और बाद में आपकी ही पुलिस ने कहा कि नकली एनकाउंटर था, सिर्फ मुख्यमंत्री को हीरो बनाने के लिए, ये सिर्फ राज सिंहासन के लिए आपने किया है। उसके बाद ऐसा लगा कि आपकी पार्टी में कोई ना कोई चैलेंज आपको देते रहे, तो पहला काम आपने ये किया कि हरेन पंड्या जो पॉपुलर लीडर था उनको टिकट ना मिले, उसके लिए आपने हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, कहा कि मैं बीमार हूं, मैं चुनाव में नहीं जाऊंगा, उसकी टिकट भी कटवा दी और गोली मारकर उनकी हत्या भी करवा दी। इससे आगे जाकर आपने क्या किया, दिग्गज नेता जो भारतीय जनता पार्टी के थे उसमें आप तो नहीं आते थे, उसमें तो आते थे केशुभाई पटेल, सुरेश मेहता, काशीराम राणा, डॉक्टर वल्लभ कथीरिया। क्या किया उनके हाल, केशुभाई को बाहर कर दिया, उसको राज्यसभा की टिकट नहीं दी, काशीराम राणा को टिकट नहीं दी, सुरेश मेहता को बाहर कर दिए। राज सिंहासन के लिए कितने लोगों को अपमानित किया वो आपकी पार्टी जानती, और आप बोलते हैं कि मैं फकीर हूं। फकीर तो जंगल में रहते हैं और आप तो फास्ट करते हैं तो भी 5-स्टार माहौल में करते हैं। फकीर होते हैं वो तो चल के जाते हैं, यहां कल साधु आए थे, जैन साधु चल के आए, चल के चले गए। आपको, आप तो मेरी तरफ फकीर थे, गांव में आपका जन्म हुआ था छोटे से, लेकिन आप अभी फुटपाथ पर अनशन नहीं कर सकते, आपकी लाइफ इतनी लग्जरियस बन गई है चंद करोड़पति के साथ रहकर कि आपको ये कभी सोच में भी नहीं आता। इसलिए आपके
सेवा में सरकारी प्लेन नहीं, इंडस्ट्रियल इसका लग्जरियस प्लेन साथ में रहता है और यहाँ भी अनशन करते हैं तो कल तक तो 100 करोड़ रुपीस था खर्च, आज मुझे किसी ने बताया कि 200 करोड़ रुपीस खर्च हो गया। आपका अनशन करने का खर्च, भूखे रहने का खर्च 200 करोड़ आता है तो खाने का खर्च कितना होगा, ये भी सोचना चाहिए। वो भी 55 कितना घंटा, 55 घंटा वैसे 72 आवर्स करना था, वो कर नहीं पाया, नहीं तो 300 करोड़ हो जाता। तो एक वर्ष का खाने का खर्चा कितना आएगा, वो सही बताया, 1,00,000 करोड़ का खर्चा करप्शन आपने किया है, 26,672 करोड़ का खर्चा भी आपने किया है, करप्शन किया है, ये सभी बात हो चुकी है। लेकिन सद्भाव बचाने की बात करते हैं, यहां जो गए हरेन पंड्या की विधवा पत्नी गई उनको सद्भाव नहीं मिला, जो HIV इंफेक्टेड बच्चे थे उनको सद्भाव नहीं मिला, जो दीपेश अभिषेक के परिवार जन थे, नाई समाज के जो परिवार जन थे उनको कहीं सद्भाव नहीं मिला। और मुझे शर्म आती है ये धृतराष्ट्र अडवाणी पर कि उनके परिवार हरेन पंड्या उनका ही परिवार माना जाता है, उनकी विधवा पत्नी उसको जाने नहीं दिया, पुलिस ले गई और ये प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग देखते रहे। ऐसे प्राइम मिनिस्टर इन वेटिंग पर मुझे शर्म आती है और मुझे ये भी शर्म आती है कि वो गांधीनगर से चुने गए। ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में कि सभी सद्भाव की बात किसी ने नहीं की जो बाहर से आए, उन्होंने क्या कही, मोदी लीडर है, डेवलपमेंट किया है, गुजरात तो पहले गरीब था, भिखारी था, मजदूरी करता था मुंबई में। अरे कोई गुजराती वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग थे उनकी उस ऐसी हिम्मत नहीं हो कि जरा जीप खींच ले उसकी, क्यों बोला ऐसा। लेकिन सभी अभिभूत थे कि मोदी साहब से फंडिंग चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, उसके सिवा कोई नहीं दे सकता। मुझे पता है, कल बताया था सुरेश भाई मेहता ने कि वो दूजनी गाय है, दूजती हुई गाय है, उसको कभी नहीं बोला। सद्भाव की बात वो जिला में ले जाएंगे, अच्छा हुआ जिला से लोग सद्भाव लेने के लिए आए, खर्चा किया सद्भाव नहीं मिला, अभी जिला में जाएंगे वही लोग उसके पास जाएंगे, कितना सद्भाव देते हैं हम भी देखेंगे उसे। हमने फुटपाथ पर अनशन किया, बहुत सारे जिला में से हजारों लोग आए, यहाँ साधु संत आए, दुखी लोग आए और सबने साथ में मिलकर दुख को बांटा। सुख तो यहाँ ज्यादा था नहीं बांट सकते, आपको भी नहीं बांट पाए हम, लेकिन जो भी दुख लेकर आए हम हमारे पास, उस दुख को सबके साथ शेयर करने का मौका उसको भी मिला, थोड़ा सा सुथिन इफेक्ट उस पर मिला। हमारे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता भाई बहने हैं बहुत ही मेहनत करी, अहमदाबाद जिला के, अहमदाबाद शहर के खास करके, उस सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। जो हमारी जुदी जो अलग अलग कमेटी से मिले हुए थे उसका भी धन्यवाद करता हूँ, जो लोग अपने पैसे से खर्च से यहाँ आए उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।